नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। इस शो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। खासतौर पर मध्य प्रदेश बीजेपी के चेहरे शिवराज सिंह चौहान को लगाई जा रही अटकलों को लेकर चुनावी बाजार गर्म है। अब कहा जा रहा है कि मामा की टिकट कट जाएगी और उन्हें सांसद का चुनाव लड़ाया जाएगा। हालांकि अभी तक तो बीजेपी कह रही है कि ये कोरी बकवास है और शिवराज सिंह चौहान को जल्द ही विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना दबदबा रखते हैं। अभी तक बीजेपी ने दो लिस्ट में कुल 78 सीटों पर टिकट बांटा है और ये सीटें वो हैं जिन पर ज्यादातर बीजेपी हारी है। दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ध्यान ये रखा गया है कि जो ये 7 सांसद हैं, ज्यादा से ज्यादा वो सीटें जितवा सकें जिन पर पिछले चुनाव में बीजेपी हारी थी। और यही वजह है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि वाकई में बीजेपी शिवराज सिंह को टिकट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीती हुई सीटों पर टिकट बांटना शुरू ही नहीं किया है। शिवराज सिंह बुधनी सीट से लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के हैवी वेट्स को विधानसभा चुनाव लड़ाकर बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहले तो ये है कि इन सभी लोगों को अपने प्रभाव वाले इलाके से ज्यादा सीटें जीतने को कहा गया है। जो अपने प्रभाव से जितनी ज्यादा सीटें जीतेगा, उसका मुख्यमंत्री पद पर दावा उतना ही मजबूत होगा। 3 केंद्रीय मंत्रियों पर सीटें जिताने का दारोमदार ज्यादा रखा गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री मेहनत कर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेंगे, ताकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा ठोक सकें। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि 3 केंद्रीय मंत्री केंद्र में रहने के बावजूद मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे, तो केंद्र ने इन्हें मध्य प्रदेश भेजकर इनसे एक तरह से निजात पा ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को जब भोपाल आए तो पार्टी पूरे उत्साह में थी, लेकिन उन्होंने ना तो मध्य प्रदेश में किसी नेता का नाम लिया और ना ही मध्य प्रदेश की किसी योजना का उल्लेख किया। लाडली बहना योजना, जिसे मध्य प्रदेश सरकार जीतने का ट्रम्प कार्ड मान रही है, प्रधानमंत्री जी ने अपने जुबान पर उस योजना का नाम तक नहीं लिया है। प्रधानमंत्री के भोपाल से रवाना होते ही जैसे ही टिकट की लिस्ट आई, वैसे ही ये लग गया कि शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द 4 ऐसे नेता खड़े कर दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसके बाद शिवराज सिंह ने भी अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई और सबको कुछ इस अंदाज में धन्यवाद किया मानो अब उनके मुख्यमंत्री काल का अंत होने वाला है। निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने अगला मुख्यमंत्री घोषित न करने का निर्णय ले लिया है। जब गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड रिपोर्ट कार्ड जारी करने आए थे, तब उनसे सवाल किया गया था कि मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान अगले मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो इनपुट आ रहा है वो ये है कि अगला चुनाव मध्य प्रदेश में किसी भी एक चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। ये जो चुनाव होगा वो सामूहिक होगा, चेहरा एक होगा नरेंद्र मोदी का, इसके अलावा कोई और चेहरा नहीं होगा। और यदि बहुमत मिलता है तब ये तय होगा कि पार्टी में कौन चेहरा बनेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी इस वजह से भी बैकफुट पर है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के आखिरी कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए हैं और वो अब घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, वहां का विरोध और बगावत भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता और चिंतन का विषय बन चुका है। मध्य प्रदेश के पुराने नेताओं को घर बैठा दिया गया है। हाल में ही उमा भारती का बयान आया था जिसमें वो पार्टी से बेहद नाराज दिखी। लोधी समाज से आने वाली उमा भारती का इस समाज पर अच्छा प्रभाव है। मध्य प्रदेश से ही आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी अहम भूमिका है। पिछली सरकार उनकी मदद से ही बनी थी और इस बार जो लिस्ट जारी हुई है उसमें ज्योतिरादित्य के नजदीकी नेताओं को टिकट दिया गया है। इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, अब सिंधिया हारे हुए नेताओं को टिकट दिलाने में कामयाब हो रहे हैं, तो लगता है कि वो मोदी और शाह के करीब हैं और चुनाव में उनका भरपूर इस्तेमाल भी किया जाएगा। भले ही मध्य प्रदेश में सिंधिया की पकड़ बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन दिल्ली में उनके शीर्ष नेतृत्व से नाते अच्छे हैं। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाले कुछ महीनों में पता लग ही जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में जीती तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री।
तो फिलहाल के इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।